वेलकम बैक टू अवर चैनल लाइफ इन ट्रेडिंग। अंकल के लिए बेस्ट फोर स्टॉक्स अपने पास जिसमें हम लोग ट्रेड लेंगे। सबसे पहला नंबर स्टॉक अपने पास एबीबी इंडिया। एंड एबीबी इंडिया को देखेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक ट्रेड लाइन है, जिस ट्रेड लाइन का क्या आ रहा है, ब्रेकडाउन। काफ़ी दिनों से मार्केट इस ट्रेड लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन ये ट्रेड लाइन यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ट्रेड लाइन जब ब्रेक हुआ तो वो क्या बन गया, रेसिस्टेंस। यानी कि अभी तक ये एक फिलहाल सपोर्ट था, सपोर्ट जब टूटा तो रेसिस्टेंस बन गया। अब फिलहाल ये लो को अगर मार्केट तोड़ता है, क्योंकि जो लो बना हुआ इस लो के नीचे जब मार्केट आएगा तो अपना एंट्री कंफर्म हो जाएगा। लेकिन इस ट्रेड में एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे और एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। मे बी मार्केट यहाँ से गिरने के बाद 4,220 रुपया से वापस रिवर्स भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे में एक सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट को मार्केट तोड़ देता है तो फिर यहाँ पे हम लोग को एक बड़ा टारगेट देखने को मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पे यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट लेकर हम लोग चलेंगे इस लो तक का, ठीक है। तो अपना एंट्री लेवल यहाँ पे बन रहा है 4,271 के नीचे। लेकिन इस लेवल पे ध्यान देना है कि ये एक सपोर्ट का भी काम कर सकता है, थोड़ा रिस्की हो सकता है ये ट्रेड। स्टॉप लॉस रहेगा 4,416 रुपीज़ का। फर्स्ट टारगेट है 4,142। हम फर्स्ट टारगेट बोल तो रहे हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि एक सपोर्ट है, अगर ट्रेड कंफर्टेबल ना लगे तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। जहाँ पे रिस्क ज़्यादा लग रहा है वहाँ पे ना लो तो अच्छा बात है। फर्स्ट टारगेट 4,142 का है, बस इसका ध्यान रखना है। सेकेंड टारगेट है अपना 3,836 रुपीज़ का। सेकेंड नंबर स्टॉक अपने पास महिंद्रा एंड महिंद्रा। एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ब्रेकआउट आ रहा है। ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश में लग चुका है। अपना एंट्री आज ऑलरेडी हो चुका है इस ट्रेड में, यानी कि 1,557 के ऊपर बाई करना था, मार्केट ऑलरेडी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल अगर मार्केट रिटेस्ट करने आए तो ले सकते हैं, या फिर मार्केट अगर यहाँ पे होल्ड करता तो बाई कर लेंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस लाएंगे 1,538 रुपीज़ का। फर्स्ट टारगेट रहेगा 1,639 रुपीज़, एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 1,703 रुपीज़। थर्ड नंबर स्टॉक अपने पास पोली कैब, एंड ये ऑल टाइम हाई के पास है। तो ऑल टाइम हाई जब ब्रेकआउट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंड बेस्ड स्वीप एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं टारगेट का पता लगाने के लिए। हम लोग यहाँ पे ट्रेंड बेस्ड स्वीप एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, लो पे कर्सल को रखें, हाई पे कर्सल को रखें, एंड इसको प्लॉट करते हैं, देखते हैं कि अपना टारगेट यहाँ पे कितना बता रहा है। तो इसका गोल्डन रेशियो 1.618 है, जो अपना टारगेट बता रहा है 5,044 रुपीज़ का। तो यहाँ तक इसका टारगेट पॉइंट है, इसको हम लोग इरेज करते हैं, हटाते हैं, कैंडल में बदलते हैं। अब इसको समझते हैं कि ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या है। ये इसका क्या है, रेसिस्टेंस, जहाँ से मार्केट हर बार रिजेक्ट हो जा रहा था, लेकिन इस बार मार्केट जितना तेज़ी से गया उससे कई ज़्यादा तेज़ी से मार्केट रिवर्स हो गया। अब अगर प्रीवियस हाई को ये तोड़ता है तो फिर यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं रहेगा जो इसको रोके। अगर ये लेवल टूटा तो फिब एक्सटेंशन का जो लेवल था गोल्डन रेशियो 1.618, वहाँ तक मार्केट एक हाई बना देगा। तो हम लोग वेट करेंगे कि पॉली कैब 4,863 के ऊपर जाए। अगर इस लेवल के ऊपर जाएगा तो हम लोग इसको बाई करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 4,805 रुपीज़। हम इसको क्यों 8,000 बार बार बोल रहे, गलत कर रहे हैं। और अपना टारगेट पॉइंट रहेगा 5,040 रुपीज़ का। लास्ट नंबर स्टॉक अपने पास अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट को देखेंगे तो ये यहाँ पे एक ट्रेड लाइन से काफ़ी दिनों से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, गैप डोर ओपन हुआ, मार्केट गैप को फिल नहीं किया, लगभग गैप को फिल किया है। ये लेवल को देखें तो मार्केट गैप को फिल किया, यहाँ पे सही से दिखेगा कि मार्केट इस जगह थोड़ा एकदम गैप को फिल किया, वापस रिवर्स हो गया। यानी कि ऊपर जाने का कोई इंटेंशन नहीं था, जस्ट गैप को फिल करना था। गैप को फिल करने के बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ गिर गया। ये जो लो है, ये लो एक इम्पॉर्टेंट लो है। इस लो के नीचे अपना क्या बनेगा, एंट्री कंफर्म बनेगा। यानी कि ऑलरेडी एक सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ से लोग बाइंग किए हैं, बाइंग प्रेशर आया, इसके नीचे लोगों का स्टॉप लॉस लगा हुआ है। जैसे ही मार्केट इस लो को तोड़ेगा यहाँ पे एक बेरिश मोमेंटम दिखाई देगा, यानी कि एक अच्छा सा पैसा बनने का उम्मीद हम लोग यहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ जितने बायर्स है, मार्केट अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर सब एग्जिट हो जाएंगे, सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। तो हम लोग वेट करेंगे कि अदानी पोर्ट 772.60 रुपये के नीचे जाएगा। अगर इसके नीचे जाएगा तो हम इसको सेल करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 780 रुपीज़ का। फर्स्ट टारगेट रहेगा 757.75 रुपये, एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 737.55 रुपीज़।
निफ्टी पे हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी यहाँ पे क्या करने वाला। तो निफ्टी ओवरऑल जैसे आपको बताया गया था कि निफ्टी नीचे जाने वाला है नहीं, ओवरऑल ये ऊपर जाने का ही कोशिश करेगा। कल का वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो उसमें आप लोग पता चल गया होगा निफ्टी का, क्योंकि नीचे में सपोर्ट है, निफ्टी नीचे आने वाला है नहीं, निफ्टी का ये रेसिस्टेंस है। ओवरऑल निफ्टी का कल ही डायरेक्शन बताया गया था कि साइडवेज जाने की कोशिश करेगा, हालांकि गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन मार्केट नीचे नहीं गया, नीचे जाने का चांसेस नहीं है। हम बोले थे बाई एट बॉटम, ऐसा सिनेरियो रहेगा, मार्केट गिरेगा बाई करना, मार्केट गिरेगा बाई करना, ठीक है, यानी कि मार्केट गिरता है तो हम लोग को सही खरीदना है, कुछ इस तरीके से सिनेरियो चल रहा है मार्केट का भी। फिलहाल के लिए कोई स्ट्रांग मोमेंटम हम लोग को तब तक नहीं मिलेगा जब तक निफ्टी ये ट्रेड लाइन के ऊपर नहीं आ जाता। कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी है तो मार्केट एक दो बजे तक ऐसे साइडवेज जाने की कोशिश करेगा, अगर उसके बाद ब्रेकआउट आता है तो ये तीन लेवल आप लोग के संग ऑलरेडी डिस्कस किया है, किया गया था 19,649 का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 19,764 एंड थर्ड टारगेट 19,991। तो ये तीन लेवल हम लोग को देखने को मिलेगा अगर ये ब्रेकआउट आता है तो। बैंक निफ्टी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बैंक निफ्टी का ये ट्रेड तो काफ़ी दिन पहले हम लोग का दिया गया था, इसको रिलेज करते हैं। बैंक निफ्टी का अभी फिलहाल जो करंट स्ट्रक्चर है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन जिसके नीचे बैंक निफ्टी नहीं जा रहा है, एंड बैंक निफ्टी का ये क्या है रेसिस्टेंस। हम लोग यहाँ से एक ट्रेड लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये एक रेसिस्टेंस और ये एक बड़े टाइम फ्रेम का रेसिस्टेंस, इसको हम लोग उतना वैल्यू नहीं देंगे, हम लोग बड़े वाले को वैल्यू देंगे, नीचे वालों को स्किप कर देते हैं, इसको हटाते हैं, ये कंफ्यूज करेगा। बैंक निफ्टी का भी सेम कुछ वैसा ही सिनेरियो है, बैंक निफ्टी साइडवेज जाने का कोशिश करेगा, अभी दो तीन दिन मार्केट में भी इसके बीच में ही रहे या फिर एक्सपायरी वाले डे में मार्केट ब्रेकआउट कर दे सकता है, तो एक बार वापस ये इस बॉटम के पास आ सकता है, 43,600 का लेवल को रिटेस्ट करने डबल बॉटम बना सकता है मार्केट। तो यहाँ पे हम लोग ना ही अपसाइड ना ही डाउनसाइड का प्लानिंग कर रहे हैं, मार्केट साइडवेज जाने वाला है, जब तक ये ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट नहीं है तो हम लोग कोई नया प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। अगर मार्केट बैंक निफ्टी इस लो को तोड़ देता 43,600 तो फिर वापस मार्केट कंटिन्यू गिरना स्टार्ट करेगा, लेकिन ब्रेकडाउन का चांसेस बहुत कम है, ब्रेकआउट आने का चांसेस ज़्यादा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। अच्छे से ट्रेड लेना है क्योंकि कल एक्सपायरी है फिन निफ्टी का नहीं, कल बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का ही एक्सपायरी है, तो मे भी कल एक रैली भी देखने को मिल सकता है 2 बजे 1 बजे के बाद। बाय।